सरकार से अपील करना चाहेंगे कि हमारे पिताजी को हमारे डेरे में भेज दें। हमारी सारी संगत का दिल नहीं लगता, संगत बहुत उदास है, हम बहुत परेशान हैं पिताजी के पीछे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमरन द फैक्ट आई से। आज हम जुड़े हुए हैं लोगों के साथ लाइव, तो उनसे बातचीत करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे डेरा सच्चा सौदा आश्रम के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुमित्री देवी। आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम से कितने टाइम से जुड़े हुए? 45 साल से जुड़े हैं। क्या देखा है आपने ऐसा कि आप 45 साल से वहाँ जा रही हैं लगातार? बहुत कुछ देखा है। हमारा पिताजी ने बहुत भला करे है, हमें कोई कमी नहीं छोड़ी पिताजी ने। क्या आप आज भी आश्रम पर विश्वास रखती हैं? विश्वास हम जी रखते हैं। गुरुजी ने समाज के लिए क्या कार्य करे? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत कुछ करा है। गरीबों पर भले करे हैं, आँखें दान करवाई हैं, और नशे छुड़वाए हैं, और पखंडियों के पखंड छुड़वाए हैं। बहुत कुछ करे गुरुजी। क्या आपका गुरुजी के साथ आपका व्यवहार कैसा था? गुरुजी का आपके साथ व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था। हम सेवा में जाते हैं लंगर घर में, अब नहीं गए। अब हम बहुत परेशान हैं कि पिताजी आए तो फिर सेवा पर जाया करेंगे, वो ले आने वाले हैं हमको, उस पर हम पर। डेरे का माहौल कैसा है? डेरे का माहौल बहुत अच्छा है। क्या आप लगातार वहाँ जाते रहते हैं? बहुत सारे लोग हमको सेवा करते हैं, लंगर की सेवा करते हैं। अब नहीं, पिताजी अब से गए हैं, कुछ आप के शरीर नहीं है, अब जाया करेंगे। कुछ घरे भी परेशानी है हमको, तान गए जी। तो गुरुजी के समाज में ना होने के कारण 3-4 साल से तो क्या बदलाव आया समाज? बहुत परेशान है, हमारा दिल भी नहीं लगता। हम कहते हैं पिताजी आए तो हमें शांति आए, और हम बहुत परेशान हैं। आएंगे तो फिर ही खुशी होगी हमको। क्या समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। सब नशे द्वारा करने लग गए हैं। सरकार से अपील करना चाहेंगे कि हमारे पिताजी को हमारे डेरे में भेज दें। हमारी सारी संगत का दिल नहीं लगता, संगत बहुत उदास है, हम बहुत परेशान हैं पिताजी के पीछे। पिताजी का कोई कसूर नहीं है, वैसे ही आपने उनको उधर भेज दिया है, पर भेजने का हक नहीं था। चलो जैसे हो गया वैसे, पर हमको ऐसे है कि अब हमारे पास अब देर में भेज दो पिताजी को। गुरुजी ने गरीबों के लिए क्या कुछ करा? बहुत कुछ करा है गरीबों के लिए। कंबल बांटे, कपड़े बांटे, मकान बना के दिए, बहुत कुछ किया है गुरुजी ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये लोग वो लोग हैं जो काफ़ी समय से डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, आश्रम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आखिर क्या है सच्चाई? सूत्रों के हवाले से नहीं, हम लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आपको बताना चाह रहे हैं द रियल फैक्ट। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताइए कि इस गुरुजी के ना होने से सिर्फ गुरुजी ही नहीं बल्कि उनका पूरा उनके पूरे अनुयायी बहुत सारा समाज तकलीफ में है।